السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको एक मुख्तसर अमल दे रहा हूँ, लेकिन इस अमल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप इस अमल को करेंगे तो इस अमल के आप बेशुमार फ़ायदे हासिल कर पाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसका कि अगर आप इस अमल को करेंगे तो आप पूरा दिन आराम और सुकून से रहेंगे, तमाम परेशानियों से महफूज रहेंगे, तमाम बलाओं से महफूज रहेंगे, और अगर आने वाली कोई परेशानी होगी उससे भी आप दूर रहेंगे। ये एक ऐसा अमल है कि अगर आप इसको अख्तियार कर लेंगे तो इंशाल्लाह अज़्जवजल पूरी ज़िंदगी में, लाइफ में आपको कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। अगर परेशानी आ भी जाएगी तो अल्लाह अज़्ज़ोजल इस अमल की बरकत से अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी और आप इसके आमिल बन जाएंगे। और ऐसे आमिल बन जाएंगे कि आप जब भी इसको पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ को भी कबूल फरमा लेगा और आपके रिस्क में भी बरकत अता फरमा देगा। तो देखिए, ये जो अमल है बहुत ही प्यारा अमल है। अमल क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान, जो बंदा ये मोमिन सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके पूरे दिन का काम की जिम्मेदारी ले लेता है। सुबहानअल्लाह। तो अमल यही है कि आपको रोज़ाना फजर की नमाज़ के बाद आपको यासीन शरीफ की तिलावत करनी है। अगर आप इस अमल को करेंगे और इस अमल को हमेशा करते रहेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, और अगर कोई परेशानी आ भी जाएगी तो अल्लाह ताला उसको दूर फरमा देगा। और अगर आप इसको रोज़ाना डेली करते रहेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके रिस्क में खूब बरकत होगी, खूब बरकत होगी। इतनी बरकत होगी कि आप दूसरों की मदद करने वाले बन जाएंगे, आप दूसरों की मदद करने लगेंगे, आप दूसरों की हेल्प करने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस अमल को रोज़ाना रेगुलर करेंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में पढ़ के सूरह यासीन शरीफ को दुआ करेंगे, अपने भी लिए दुआ करें और ख़ास करके मेरे भी लिए दुआ करें और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए करें कि अल्लाह ताला सबको तमाम बीमारियों से, तमाम परेशानियों से महफूज फरमाए और सबको पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आशिक बना दे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अमल करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।